पढ़ाई को इतनी तरजीह दी जाती है, बेटी पढ़ो कह दिया जाता है, तो फिर बेटियों को क्यों बाहर निकल के अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, ये मेरा सवाल है मोदी जी से करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पॉलिटिशियंस एंड एवरीवन टू ड्यू जस्टिस टू अस, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कर्नाटका में हिजाब के मामले को लेकर कई मुकामात पर स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को परेशान करने के वाकया सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए गुलबर्गा शहर में जनता दल सेक्युलर पार्टी की जानिब से एमएस के मिल वार्ड नंबर 27 में जनता दल सेक्युलर पार्टी के गुलबर्गा शुमाल के एमएलए कैंडिडेट अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद की क़ियादत में जनता दल सेक्युलर पार्टी के कारपोरेटर जनाब साजिद कल्याणी की जानिब से मुस्लिम ख्वातीन और तलबा की हिम्मत अफजाई करते हुए इन्हें हिजाब तकसीम किया गया। इस मौके पर जनता दल सेक्युलर के लीडर जनाब नासिर उस्ताद ने बताते हुए कहा, मुस्लिम ख्वातीन और तलबा हालात का हिम्मत के साथ सामना करें, हिजाब की खिलाफ वर्जी करने वालों से तलबा ना घबराएं। हिजाब पहनना दस्तूरी हक भी है, मुस्लिम कल्चर भी है, ख्वातीन हिजाब की पाबंदी करें। समझता हूं कि हिंदुस्तान में ये पहला प्रोग्राम है जहां पर स्कार्फ और मोस्टली का डिस्ट्रीब्यूशन, हिजाब का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जनता दल सेक्युलर के बैनर पे। और हमारे साजिद कल्याणी साहब को मैं उसके लिए स्टेट के सदर के हैसियत से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ है और बहने यहाँ पर जिस कसीर तादाद में यहाँ पर आप लोग शिरकत करने आए हैं, आप लोगों के जज्बे को भी मैं सराहता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता एक महीने डेढ़ महीने से ये हिजाब का मामला मुसलसल हमारे जहनों में हमारे दिल पर हावी है और इस पर बहस हो रही है। टीवी चैनल्स इसको अपनी टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयानात इंतजार में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कायदीन की तरफ से आ रहे हैं और अब मामला हाईकोर्ट के अंदर हो गया है, डिस्कशन भी हो गया है और फाइनल वर्जन के लिए रुका हुआ, क्योंकि इसका फैसला हाईकोर्ट के अंदर है, उसके ताल्लुक से बात करना मुनासिब नहीं है। मगर हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला फैसला हक होगा, फैसला कर्नाटका में अमन लाएगा और इसके पीछे जो मकसद भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद था कि आज कर्नाटका के अंदर एक सियासी चाल चल के हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करके इस हिजाब के मामले को जिस तरीके से उछाला गया, कर्नाटका के बहुशऊर अवाम इससे वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत कुर्सी के अलावा कोई चीज नहीं है। आज हजार बात नरेंद्र मोदी कहता हो, हजार बात बसवराज बोम्मई बोलता हो कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया है, आप लोगों के सामने कर्नाटका के अवाम के सामने ये साफ तौर पर वाजे है कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के नाम पर सियासत नहीं हो रही है। यहाँ पर कर्नाटका में कोई अगर सियासत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत हो रही है। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान में आई है, आज ये जो वक्त हिंदुस्तान में गुजरा है, ये बहुत बड़ा वक्त, बहुत कठिन वक्त हमारे सामने आया है, बहुत चैलेंजेस हमारी माँ और बहनों के सामने आया है। हमारी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अच्छे कानूनी बात यहाँ पर उन्होंने बताई, कुरान शरीफ की सूरह नूर का तस्करा किया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आर्टिकल 25 के बारे में उन्होंने बात की। मैं उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि हिजाब हमारा दस्तूरी हक भी है, हमारा कल्चर भी है, हमारी मजहब भी दे सकता है, इसे कोई हमें रोक नहीं सकता। और इसके साथ हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो मेरे साथ हमारे लिंगायत भाई मेरे साथ मौजूद रहते थे, मेरे दोस्त थे, मेरे भाइयों की तरह हैं, वो जो है अपने सर पर विभूति लगा के आते थे। हमारे क्रिश्चियन भाई जो है गले में क्रॉस लगा के आते थे, हमारी बहनें हिंदू बहनें जो है तिलक लगा के टीका लगा के आती थी।
कभी हमारी नजर उसके ऊपर नहीं गई। हम कभी भी अपने साथ उनको दोस्तों की तरह हम देखते आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आज स्कूल के लेवल पर एक स्कूल के बच्चों के जहनों पर रात के नाम पर फोड़ने का काम कर रही है। ये हिंदुस्तान की आवाम उनको जो है आप नहीं करने वाले। आगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट जवाब देगी। एनआरसी का मामला, सीएए का मामला हुआ, जब भी हिंदुस्तान की हमारी माओ और बहनों ने एक तारीखी एहतजाज को दर्ज किया, शाहीन बाग का मामला आपको याद होगा, तकरीबन एक साल तक हमारी माओ और बहनों ने इस भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत को नरेंद्र मोदी के दांत को खट्टे करने का काम हमारी माओ और बहनों ने किया। ट्रिपल तलाक का मामला, शरीयत में मुदाखलत करने का मामला, ये सोच करके किया गया कि मुस्लिम हमारी माँ और बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये हमारी माएं और बहनें मजलूम है, मगर तारीख गवाह है। और जब तक दुनिया रहेगी मुसलमानों की हमारी माएं और बहनें उसी शान से उसी हुकूमत से रहे हैं जो 1400 साल पहले थे, और इंशाल्लाह कयामत ये नरेंद्र मोदी जो हमारे बारे में हमारी माओ और बहनों के बारे में फिक्र करना छोड़ दे, बीजेपी इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दीजिए। ये लोग जब अपने पे आ जाते हैं तो शाहीन बाग में भी सर नहीं झुकाए। हमारी 6 बहनें उड़पी के अंदर जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज के लिए खड़े होते हैं तो वो हुकूमत के सामने झुकने वाले नहीं, कोई झुकने वाला नहीं है। हमारी माँ और बहनों के साथ छेड़ने को हो सकता है कि हम मर्द जो है थोड़े बहुत बुजदिल हो मर्द में, मगर हमारी औरत कसम से कोई बुजदिल नहीं है, कोई डरने वाली नहीं। ये बेचारा नरेंद्र मोदी को क्या मालूम, शादी कर लिया, शादी करके छोड़ के भाग गया। अगर उसकी भी बीवी रहती तो मालूम पड़ता कि भाई क्या था, कि मैं क्या था जी गया। सारी दुनिया कितने बड़े कारपोरेटर हो गए, मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, आगे 10 साल में 15 साल में अलग बात, मगर घर में जाते साथी हमारी बहन के सामने मुंडी हिलाना था जी। हम कितने भी तकलीफ करें हमारे घर में हमारे होम मिनिस्टर भी उठे हुए नहीं जी, बच्चे भी ये तकलीफ तो सुनना पड़ता। ये हमारी माए ये पर्दा पहनते हैं, ये कमजोरी की निशानी नहीं है, ये शान की निशानी है, ये ताकत की निशानी है, ये उनकी अजमत की निशानी है, ये हमारी पहचान है, ये हिंदुस्तान की पहचान है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहीं आप ये सोच रहे हैं कि भाई नकाब में है तो कमजोर है, नहीं, नकाब में है इसीलिए ताकतवर है, इसीलिए उनकी आवाज में दम है, इसीलिए उनके ईमान में दम है, इसीलिए उनके ईमान में दम है। कोई बीजेपी से डरने वाली हमारी माए और बहने नहीं है। शानदार तरीके से कानून भी समझते हैं, दस्तूर भी समझते हैं, इस्लाम को भी समझते हैं, हर जाविये से तैयार खड़े हैं। इतनी तादाद में आज नकाब के हिजाब के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग आए हैं, आप तमाम लोग अपने हिजाब पहने हुए, तमाम लोग नकाब में आए हुए, उसके बावजूद इस प्रोग्राम में आए हैं तो आप इस प्रोग्राम के साथ खड़े हुए हैं। आज एक मैसेज गुलबर्गा शहर से, जलालाबाद से, यहां से एक मैसेज पूरे कर्नाटका में, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि जब तक दुनिया है जब तक इस्लाम की हमारी माए और बहने इस नकाब को पहने हुए रखेंगे और बड़ी शान से पहने हुए रखेंगे, आप हमारी ताकत, आप हमारी ताकत है, आपकी आपके दुआएं काफी है। आपका भाई साजिद कल्याणी और हम तमाम भाई जी जब तक जिंदा है आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे कितनी तकलीफ हमको, कभी हमारे आंखों में आपको डर नहीं नजर आएगा, और कभी आपके हमारे आंखों में आपको चमचागिरी नजर नहीं आएगी, कभी हमारे आप हमारी आंखों में इक्तदार की भूख आपको नजर नहीं आएगी। ये वायदा आपके सामने अल्लाह की कसम खाकर खाते हुए आपके सामने वायदा करते हैं, आपके साथ आपके भाई खड़े रहेंगे, जनता दल सेक्युलर आपके साथ खड़ी हुई है, हमारे लीडर कुमार अन्ना आपके साथ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के तमाम सेक्युलर भाई आपके साथ खड़े हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, ये वक्त है। चंद गिने चुने बीजेपी के सफोले, उन्होंने कहा बीजापुर का कोई लीडर, यहाँ का कोई लीडर, वहां का कोई लीडर, पाकिस्तान को जाओ, तालिबान को जाओ, वहां जाओ, यहां जाओ, इनकी हर बात में पाकिस्तान का जिक्र होता है। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के इस हुकूमत को,
इनके दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तान के लिए है। ये बगैर बोले के पाकिस्तान जाकर के प्राइम मिनिस्टर के दावत में जाकर के थाना खाते, गले मिलते, बिरयानी खाते क्या? बिरयानी खाता कि नहीं खाता? बिरयानी खाने वाला रहता तो हिम्मत वाला रहता, बिरयानी नहीं खाता उन्होंने, पहले बिरयानी खाने का नहीं है हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसको दिल बोले जब जाता तोहफे देता आता करता तालिबान तालिबान तालिबान। नरेंद्र मोदी अपने बजट के अंदर 300 करोड़ रुपए तालिबानी गवर्नमेंट को ये बीजेपी वाले दे रहे और हमारे को तालिबान को जब बोल रहे नालायक हो, मोहब्बत तुम्हारे को है पाकिस्तान से, मोहब्बत तुम्हारे को है तालिबान से। हिंदुस्तान का मुसलमान ना कभी पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्याल रखा है, कभी मोहब्बत रखा है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हिंदुस्तान के आजादी के लिए अपने खून की कुर्बानी दे चुका है। आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर जरूरत पड़े तो एक एक मुसलमान हिंदुस्तान की अजमत के लिए, हिंदुस्तान के शान के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए कभी दूसरी बात सोचने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान है। आप लोग हो जो देश के गद्दार हो, आप लोग हो जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है, आप लोग हो जो तालिबान से मोहब्बत रखते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के तमाम लोग, यहाँ पर हम लोग एक भाइयों की तरह रहे हैं, तमाम मजहबों की इज्जत और एहतराम करते हुए रहे हैं, उसी तरह कयामत तक इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में शान के साथ रहेंगे। हमारी किसी माए और बहनों के साथ आप सियासत करने का खेल मत खेलो। नरेंद्र मोदी तुझे औरतों की सोहबत का अंदाजा नहीं है, टक्कर लेने की कोशिश मत कर, टक्कर लेने की कोशिश मत कर, मुंकी खाने वाला है। जिगरे में मासूम हो सकते हैं मगर अपनी पे आ जाए, अपने मजहब की शान के लिए अगर कोई तकलीफ होगी तो हमारी माँ और बहन जो है कमजोर बनने वाली ने। ये बात के साथ कहते हुए साजिद कल्याणी साहब के इस प्रोग्राम में एक तारीखी प्रोग्राम आप लोगों ने किया है, मैं स्टेट के जनता दल के सदर के हैसियत से आपको दिल के गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और हम तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मेरे वार्ड नंबर 27 में, जो कि अभी तक पूरे इंडिया में ऐसा काम नहीं हुआ था, जो फ्री हिजाब डिस्ट्रीब्यूशन किया रखा गया है यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद की सदारत में, मैं ये हिजाब डिस्ट्रीब्यूशन करके ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं दे रहा हूँ बोल के, मैं ये मैसेज पूरे इंडिया में पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हम हिजाब के साथ हैं, हम हिजाब को प्रमोट कर रहे हैं, हिजाब हमारा हक है। हिजाब कुरान शरीफ में भी है कि हिजाब पहना बोल के, इंशाल्लाह इस हिजाब को छोड़ेंगे नहीं, हम हिजाब को पकड़ कर रहेंगे। और आने वाले दिनों में हालत ख़राब हो रही है, अब इसको देखते हुए आगे के फैसले लेना चाहिए हम लोगों को। जो ये आरएसएस, ये बजरंग दल जो रोज़ रोज़ नए नए प्रोपेगेंडा ला रही है, कानून के धज्जा उड़ाए जा रहे हैं, हाँ इसके ख़िलाफ़ हम लोगों को उतरना चाहिए और देखना चाहिए। आज कर्नाटक में सुबह में पहले इशू शिमोगा में हुआ है हिजाब उतारने के मामले में, जो कि ये सरासर गलत है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। हम इसके बहुत मजम्मत करते हैं इसके ख़िलाफ़। हम बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो गए, डीसी को मेमोरेंडम दिया गया, वो हो गया, वो सब चल रहा है, अभी कानून में चल रहा है। हम इंशाल्लाह हमारे को कानून के ऊपर भरोसा है, हमारे फेवर में होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कानून में संविधान में लिखा गया है उसके ताहिद में होगा इंशाल्लाह। मैं तमाम मेरे माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सब हिम्मत से रहो, सब साथ रहो, जुड़ के रहो और कब भी आवाज़ दिए सब मिलके आना है, एकजुट होके करना है। जैसे कि लास्ट टाइम पे NRC का मामला था, CAA का मामला था, शाइन बाग लगाए, कुछ हरकत करना चाहिए। बिना हरकत के कुछ काम नहीं होता, हरकत करके, हरकत करे तो बरकत होती है और काम होता है इंशाल्लाह। तब कभी भी आवाज़ दे दें कौम के लिए, आप लोग
मुतहद होकर आइए और डरिए मत, इंशाल्लाह जनता दल साथ है आपके, नासिर हुसैन उस्ताद साहब है और मेरे जितने वार्ड की जिम्मेदारी है इंशाल्लाह मैं पूरे वार्ड के साथ मैं इंशाल्लाह ठहरने के लिए तैयार हूँ। आपसे रिलेटेड कुछ बताना चाह रही हूँ, आज का जो माहौल चल रहा है उस पर कुछ रोशनी डालना चाह रही हूँ। पहला, जब भी हिजाब क्या है हम पहले ये समझ लें, हिजाब इज नथिंग बट टू कवर अवर सेल्फ, हिजाब एक कवर है हमारी मुसलमान औरतों के लिए जो हमको करना जरूरी है, लाजमी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइज, दूसरा ये सवाल आता है कि हिजाब क्यों करना चाहिए। हिजाब इसलिए करना चाहिए कि हम अपने आप को ढके रखना चाहिए, हमारे मजहब में भी ये इजाजत दी गई है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सूरह अन्नूर वर्स नंबर 31 दैट वी शुड कवर अवर सेल्फ। अपने औरतों से कह दीजिए कि अपने आप को ढके रखें, अपनी निगाहें नीची रखें और अपने आप को जाहिर न करें। तो इन तमाम बातों से ये जाहिर होता है कि हमें अपने आप को कवर करना चाहिए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिटन इन आवर आर्टिकल 25 इट क्लियरली मेंशंस दैट वी आर फ्री टू फॉलो ऑल द राइट्स विच आवर रिलीजन गारंटीज अस एंड नो वन कैन अपोज अस, कोई हमको इस चीज के लिए अपोज नहीं कर सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस चीज की इजाजत दे रहा है हमको तो कहीं हमसे ऐसा सवाल नहीं उठा सकता। अब रही बात हमको जो आज के माहौल में सताया जा रहा है, आज की नौजवान बेटियों को पढ़ने से रोक दिया जा रहा है, आज का ये माहौल फरवरी मार्च ये एग्जाम्स के महीने हैं और इन महीनों में खासतौर से हमारी मुसलमान बहनों को इतनी तकलीफ दी जा रही कि वो अपने क्लासेस छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं गेटों पे, दो महीनों से ना एग्जाम की पढ़ाई हो रही उनकी, ना कोई चीज की तैयारी हुई। इन तमाम चीजों की जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट को ठहरा दी हमें, जो कोई स्टेप नहीं ले रही, बजाय उसकी सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया जा रहा और उसके बाद भी हमारे हक में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा, इन सबके पीछे किसका हाथ है? हमारा माहौल ऐसा तो नहीं है कि हम आपस में मुसलमान और हिंदू कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो मैं ब्लेम करती हूँ पॉलिटिशियंस को जो अगेंस्ट हमारे कुछ न कुछ ऐजाद करते रहते हैं, कुछ भी शुरू करते रहते हैं। कुछ दिन पहले NRC लेके स्टार्ट करें, कई दिन हमको तकलीफ दी गई, कई दिन धरना बैठना पड़ा, बीवियां बाहर बैठी हुई रही, बहनें बाहर बैठी हुई रही, बच्चों को छोड़ के धूप में तड़पी रही, किस लिए? अपने आप को हासिल करने के लिए। क्यों मुसलमान औरतों को इस तरह तकलीफ दी जा रही है, क्यों उन्हें सताया जा रहा है, क्यों डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जबकि हमारे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, वी नीड टू क्वेश्चन। हम औरतों को इस चीज के बारे में सवाल उठाना चाहिए, अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, इट इज नथिंग बट इट इज अवर जिहाद। तमाम लड़कियों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जो आया है हमारा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद साहब और यहाँ के कार्यकर्ता साजिद कल्याणी और हमारा सहमत साहब और बहनों और माओ, अभी अभी भाषण करे हमारा बहन और माओ ने आपको हिजाब का बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। आप ये हिजाब जो है ना अब से नहीं है, मेरे को अब 61 साल हुआ है, जब मैं पैदा होने से पहले ही ये हिजाब है, मैं पैदा होने से पहले हिजाब है। ये हिजाब तो जो है ना इधर इधर बीजेपी जब देश में और राज्य में गवर्नमेंट आया है जब से हिजाब का शुरू हो गया है। ये हिजाब बोले तो क्या है, ये मुसलमान परंपरागत जो ना इसको संविधान भी मानते हैं, संविधान में प्रोविजन है हिजाब मुसलमान नौरता हिजाब पहनना बोल के है, इसलिए आप लोग पहनते हैं, जमाने से पहनते हुए अभी भी पहन रहे। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये काम है, ये बेटियों के लिए तो हिजाब का बारे में आ रहे हैं। ये हिजाब नहीं तो बेटियों को छोड़ के दूसरा कोई हिंदू लोग पहनते क्या? नहीं पहनते, इसलिए ये परंपरागत आया जो है अब इसको आप लोग नहीं छोड़ना बोल के मैं बोलता हूँ, मैं भी आपके तरफ में हूँ। क्यों बोले तो हिजाब जमाने से आए थे, अब बीच में तुम लोग जो है ना कागज डालना वो करना बीच में ला। अब जो ये जलसा हो रहा है लेडीज का है, लेडीज के निकाब के बारे में और इसके परेशानियां मोदी ला रहा है, बोरखा निकालो हिजाब निकालो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारा कहाँ गया अब मोदी का? आप लोग हम जितने भी लेडीज है आज तक हम बुरखा हमारे इस्लाम में है, बुरखा निकाला नहीं है, हम हिम्मत से हमारे इस्लाम को बचाना है, हमारे इस्लाम का पर्दा है, हम निकाब के साथ रुबाब के साथ हम बराबर लड़ाई लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी वाले क्या समझ रहे हैं,
एक लेडीज निकलेंगी और बीजेपी को सबक सिखाएंगी। हम हिंदुस्तान के पैदा हैं, हमारी सब जमीन हमारे है, हम बोल रहे हैं आप हर लेडीज हम परेशान नहीं होना, आपके साथ हर लड़ाई में हम हमारे जिद्दू जो करना है हमारे हिजाब पर। ये हिजाब हमारा क्या है, खानदानी और हमारा पैदाइशी हक है। ये पैदाइशी हक को हम किसी के दबाव में, किसी के डर में, किसी के बिताव में आकर हम अपने काम को नहीं छोड़ेंगे। हम ये लिहाज से क्या है, मैं तमाम पब्लिक से रिक्वेस्ट और गुजारिश करती हूँ, जब हमारे साथ ऐसे बड़े हमारे शेर अलहाद नासिर हुसैन उस्ताद साहब है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वक्त जाया करना ज्यादा नहीं चाहती मैं। कि हमारे नकाब के बारे में हम जब तक हमारे साथ अलहाद नासिर हुसैन उस्ताद साहब और हमारा शेर साजिद कल्याणी है, जब तक हमारे को डरने की जरूरत नहीं है। उठो हिंद के वासियों, तुमको साजिद और नासिर साहब ने पुकारा है, कल्याणी क्यों मांग रहे हो, हिंदुस्तान हमारा है, ये किसी की जागीर नहीं है जो हमें यहाँ से निकालने की कोशिश करे, और यहाँ से हमारे को निकालना तो दूर की बात है, हम भी कुछ कम नहीं है। जब हम अपने पर्दे में है तो खामोशी के साथ है, जब हम भी अगर बाहर निकलेंगे तो चार के ऊपर हम भी अंधारी हैं।